ओके देखिए, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है और उस फ़ोन में आपका जो अलार्म का जो क्लॉक है उसका सैम्पल आ रहा है यहाँ पे, तो आपको पता नहीं लेकिन इसको डिसेबल कैसे कर सकते अपने फ़ोन में, एक या एक से ज़्यादा अधिक जितने भी होंगे ये सभी डिसेबल हो जाएंगे और ये सैम्पल जो है आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन का जो आइकन है मतलब क्लॉक, उस पर क्लिक करना होगा। जहाँ पे भी आपका फोन क्लॉक वाला ऑप्शन होगा वहाँ पे जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं क्लॉक वाले पे, तो आप भी देख लीजिएगा क्लॉक हुआ या फिर अलार्म के नाम से ऐसे होगा, तो आप पहले क्लॉक वाले पे जाएंगे। तो क्लॉक वाले पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में यहाँ पे फ्रंट पे देखने को मिल जाएगा, जितने भी अलार्म जिस टाइम में लगे होंगे वो सभी यहाँ आपको शो हो जाएंगे। और इसको क्या करना है कि ये एनेबल है, इसको आपको डिसेबल करना है मतलब रिमूव करना है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही क्या यहाँ पे टर्न ऑफ दिस रिपीटिंग जो अलार्म है, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका जितने भी है उसको भी इस तरह से आप यहाँ पे टर्न ऑफ दिस रिपीटिंग अलार्म पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। होता क्या है कि अगर आपने एक टाइम का लगाया लेकिन वो अलार्म हमेशा बजते रहता है, मतलब एक सप्ताह तक बजता ही रहता है या महीना तक ही बजता ही रहता है, तो इस तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं अपनी यहाँ पे देख पाएंगे जो अलार्म का आइकन है वो यहाँ से हट चुका है।